और तकरीबन 60% केसेस पूरे जो J&K में आ रहे हैं वो जिला श्रीनगर से आ रहे हैं। तो ऐसे में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पिछले एक हफ्ते में लाल बाजार में 20 पॉजिटिव केस आए हैं, इसी तरीके से बेमना में 17, उसके बाद आप अगर देखें छानपुरा वहां 18 केसेस हैं। ऐसे बहुत सारे और पॉकेट्स हैं जहां 10-15 के बीच में केसेस आए हैं पिछले हफ्ते में, जो अच्छी खबर नहीं है। और अभी तक अगर थर्ड वेव से हम बच पाए हैं तो उसका एक ही कारण है कि लोगों ने बहुत एहतियात बरती है। लेकिन अब अगर थर्ड वेव को हम दावत दे रहे हैं पूरा कोविड प्रोटोकॉल का वायोलेशन करके, गाड़ियों में सबको जरूरत है मास्क पहनने की, और जो सोशल फंक्शंस हो रहे हैं, शादियां हो रहे हैं, दूसरी बिगर फंक्शन जो सोशल गैदरिंग है, जिस तरीके से उनमें आप देखें जो लिमिट प्रिस्क्राइब्ड है उसके अंदर रहने की जरूरत है। आप ये सामने गाड़ी देखें, एक आदमी ने इसमें गिन के देखें कितने लोगों ने मास्क पहना। तो इस तरीके से मैं ये कहना चाहता हूं जहां एडमिनिस्ट्रेशन कोशिश कर रही है वहीं सबकी जिम्मेदारी बनती है कि कोविड प्रोटोकॉल का फिर से एक बार जरूरत है पालन करने की, और थर्ड वेव को किसी भी हालत में दावत न दें। और मैं ये भी, मुझे ये बात करने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं हो रही एज जिला मैजिस्ट्रेट के, थर्ड वेव की अगर शुरुआत होगी तो वो उसका कारण श्रीनगर बन सकता है, लिहाजा हमें जरूरत है बहुत ज्यादा मुताबिक रहने। सर, अगर केसेस ऐसे बढ़ते रहे तो किस तरीके के कदम जो है वो उठाएगा? देखिये, मैं एक बात वाजह करना चाहता हूँ कि जिन इलाकों का मैंने नाम लिया है, लाल बाजार, बेमना, खानपुरा, गुड़गांव की तरफ, तीन इलाकों में पिछले एक हफ्ते से बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं गुड़गांव की तरफ, और अगर केसेस इसी तरीके से बढ़ते रहे तो हमें एक बार फिर कोई कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि पब्लिक बिहेवियर बहुत जरूरी है, खासकर हर एक जगह और खासकर जो जिन जगहों का मैंने नाम लिया है वहां पर कोविड प्रोटोकॉल का वायोलेशन हुआ है पीछे। और मैं ये भी आपको कहना चाहता हूं, देखो ऐसा मत कोई उम्मीद रखे कि 24 घंटे कोई मैजिस्ट्रेट कोई पुलिस ऑफिशियल पीछे रहेगा जो कहेगा मास्क पहनिए, कहीं शादी है तो गैदरिंग 25 से ज्यादा ना हो। हमें खुद अपने लिए अकाउंटेबल होना पड़ेगा, क्योंकि जब पूरा समाज मिलकर हमें एज ए सोसाइटी, अभी तक जिला श्रीनगर में मैं ये कहूंगा कि मैं मुबारकबाद भी देना चाहता हूं कि पिछले फर्स्ट वेव सेकंड वेव में बहुत अच्छे से सबने कोऑपरेट किया और कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया, लेकिन पिछले कुछ दिनों से काफी ज्यादा वायोलेशन देखा जा रहा है। मैं एक बार फिर आपके माध्यम से सभी से अपील करना चाहता हूं कि SOPs जो हैं कोविड SOPs उसका पूरा पूरा एडहेयर करें और थर्ड वेव को